अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको करते हैं हम खुशामदीद। समथिंग न्यू, कुछ अच्छा। न्यू हो ना। हाँ। हर दफा ये क्या? हाँ। एक सा। हाँ जी, चलें तो मैं और मामा आ गए हैं व्लॉग बनाने के लिए। ठीक है, तो देखें, आज पहले मैं आई हूँ यूनिवर्सिटी से। मेरी जो है वो लेक्चर एंड हो गया था 12:15 पे, तो मैं आ गई थी आई थिंक सो 12:40 तक मैं घर पहुँच गई थी, तो 45 तक में भी। तो मैं आते हुए आज ना मैंने अब्दुल आया ना मुझे लेने स्टॉप पे, मैंने उससे पूछा मैंने कहा आज क्या बनाया ना, कहता है खाना तो अभी नहीं बना ना, अभी तापी बनाएगी। मैंने कहा यार मेरा नहीं दिल ना, मैं नूडल्स लेने जाऊँ, मतलब मैं बाजार से ही गुजरी थी ना, तो उन शॉप्स में ना नूडल्स दी थी ना, मैंने कहा नूडल्स मिलेंगे? कहता नहीं इधर नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो दूसरी शॉप से पता कर लेते ना, तो मुझे बाजार ले गए। वहाँ से आते हुए मैं अपने नूडल्स ले कहती, मैंने भी वो खाई हुई और मैं अपना आराम से उस पर गुजारा। अभी आप ही ने नया खाना कहती हूँ, मैंने कहा नहीं मेरा पेट भरा हुआ, भूख नहीं है। तो आते साथ मैंने पहले वो खाई है जल्दी से, मैं आई हूँ। मैंने देखा मामा ने एक ये लगाया हुआ था सेटअप, ये टेक्सचर तो तैयार किया था लेकिन ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट था। दिखाती हूँ एक मिनट। ओह अच्छा, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने तैयार किया हुआ है, ये तैयार किया हुआ है, ये किया हुआ, ये किया हुआ, ये किया हुआ, ये किया हुआ, ये हमने किए हैं अभी सारे मिलके, ये हमने मिलके किए हैं मेरे आने के बाद, ये भी किया है। एंड 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 ये देखें, ये सीमेंट फ्रेश किधर गई? मिलते मुदस्सर दिखाएं, गरीब से दिखाते मिलते मुदस्सर। ये देखें यार, इस शेप ने मुझे इतना खपाया, मैं इसको बना बना के, मम्मा कहती है बुजरा छोड़ दे जैसा बना। मैंने कहा मम्मा ठीक है, एक ये भी मम्मा ने प्रिपेयर किया सीमेंट, मैंने सीमेंट प्रिपेयर किया, उसके चंक्स निकालेंगे इंशाल्लाह। ये रेड और रेड मड, इसको बिल्ली पंजे मार के गई है, ये देखो, और ये ऐसे पंजे मार के गई है ना, जो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी और वो जाते जाते इनको तोड़ दी। तो ये देखें आप, और अब बुशरा आपको वन बाय वन बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। इस सदी की सबसे पहले हमारी, हाँ मरियम जी जी, मरियम आपकी रिक्वेस्ट करके आप अपने टेक्सचर का नेम्स बताएं, अपने टेक्सचर का इंट्रोडक्शन दें ताकि मुझे पता चले आपके पास कौन कौन से टेक्सचर हैं। ओके मरियम, श्योर मैं आपको अपने टेक्सचर का इंट्रो करवाती हूँ, एक बार ये ट्रक गुजर जाए। चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखें मरियम, ये है हमारी प्योर सैंड, ठीक है? ये टेक्सचर था हमारा, इसको हम लोगों ने तैयार किया था, प्योर सैंड, प्योर सैंड सीमेंट, इसको हमने तैयार किया साथ साथ दूसरा वो क्रमलिंग भी कर क्रमलिंग करते हैं। एक मिनट एक मामा, करते हैं आपके लिए इसकी क्रमलिंग भी करेंगे मरियम, ठीक है? ये प्योर सैंड सीमेंट है, हमसे हो सके वो साथ साथ इंशाल्लाह। ये प्योर सैंड सीमेंट है, इसको हम लोगों ने तैयार किया था मैंने और मामा ने, बट ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉफ्ट होकर ये प्योर सैंड बन चुकी है बिल्कुल। एक मिनट मामा एक लगाएंगे, इसकी क्रमलिंग करेंगे। तो ये है हमारा व्हाइट कंक्रीट सीमेंट, ठीक है? ये आपको नजर आ भी रही होगी कंक्रीट, इसमें हम लोगों ने जो है ना सीमेंट के अंदर व्हाइट कंक्रीट ऐड की हुई है। और अभी मेरे मामा सोच रहे हैं कि खैर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वाइट कंक्रीट ऑलरेडी ऐड कर दिया, अब इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? ये दो टेक्सचर थे सर हमारे पास, एक ये था वाइट कंक्रीट सैंड सीमेंट और एक ये था वाइट कंक्रीट सीमेंट। बट ये ना हमारा ऐसे बिल्कुल एक जैसा हो गया था, मैंने बताया ना वो सीमेंट इतना रीयूज हो गया था। इनफैक्ट ये सैंड देख लें, ये प्योर सैंड बन चुके हैं, इसमें इतना सीमेंट था, सैंड कम थी और सीमेंट ज़्यादा था, फिर भी ये प्योर सैंड बन चुकी है। सेम इसका भी यही हाल था, तो मैंने मामा ने सोचा कि हम लोग इसको एक ही टेक्सचर का नेम दे देते हैं, वाइट कंक्रीट सीमेंट, कभी सीमेंट लिख देंगे कभी सैंड सीमेंट लिख देंगे, ठीक है? ये सेम टेक्सचर है, सेम टेक्सचर है माशाल्लाह। ये है हमारा वाइट सैंड सीमेंट, ठीक है? वाइट सैंड सीमेंट ये स्पेशली, मतलब यार ये मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि ये टेक्सचर ऐसे तैयार होगा, लेकिन ये ऐसे तैयार हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, ठीक है? वाइट सैंड सीमेंट है, इसको जो है ना मैंने और मम्मा ने खैर बड़ा ही उस टाइम मेहनत करके तैयार किया था। अब तो खैर से मुझे इतना कुछ याद भी नहीं है, बस इतना मुझे याद है कि हमने इसके अंदर प्योर सैंड और वाइट सीमेंट ऐड किया था। पता है मगरी बनवरी है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने आज शेप्स बनाई है तो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, बट मैंने मम्मा का, मामा मैंने मस्त शावर लेना है, तो फिर इसलिए जो है मम्मा कहती है चलो बना लेते हैं व्लॉग। तो ये येलो ब्रिक्स डर्ट है हमारी, ठीक है? ये देखें, ये आपको कहो येलो ब्रिक्स डर्ट क्या है। एक दिन मामा और चाचू कहीं गए हैं तो वहाँ से इन लोगों ने देखा है, जो असल ब्रिक होती है ना प्योर ब्रिक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्योर ब्रिक होती है ना, ये इसका इतना ज़्यादा मटेरियल था, इतना ज़्यादा मटेरियल। अब ये थोड़ी ऑरेंज हो गई है, ये ऑरेंज किस लिए हो गई है? एक होती है ब्रिक और एक होता है, मतलब एक होती है ईंट और एक होता है चौकाना, वो ऑरेंज कलर का होता है। मतलब ब्रिक किस तरह की होती है? येलो, एक तो ब्रिक बिल्कुल रेड होती है ना, वो नहीं है, एक ऑरेंज कलर की होती है। उसका मटेरियल पड़ा था तो मुझे लगा मामा शायद वो बहुत ज़्यादा, अब मैं बता रही हूँ ना जितना, जितनी ये येलो है ना, ये इससे ज़्यादा येलो था ये वाला हमारा टेक्सचर, इतना ज़्यादा येलो कुछ था, कुछ मिक्स हुआ होगा, रेड मिक्स हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसमें जैसे इसका कलर उसका थोड़ा सा कलर थोड़ा सा हमारा, ये हमारा स्टोनी रेडर, ठीक है? इसके ह्यूज बकेट्स बने हुए और ये इतने दिनों से बने हुए और एक्सट्रीमली डस्टी हो चुके हैं, इसकी हम लोग इंशाल्लाह ताला वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? वो हमारा प्योर मड डर्ट है, ठीक है? मड सैंड वाला टेक्सचर अभी हमारा जो है वो प्रिपेयर नहीं है, मड डर्ट वाला हमारा प्रिपेयर है। ये हमारी रेड सैंड है, बिल्कुल कलर फेड हो चुका है क्योंकि आपको पता है मगरी बनने वाली और अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। ये रोटियाँ बनाई हुई है मेरी मामा ने, किसने खानी है तो बता दे, प्योर मड की। ओ भैया सर्दियों में टिकियाँ खाते हैं ना, तो ये हम की मामा ने टिकियाँ बनाई हैं, ठीक है? ये चारकोल का टेक्सचर है जो कि मैं भी अभी प्रिपेयर करके रख के गई हूँ, ठीक है? प्योर चारकोल है, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है? ये रिफॉर्म है 4K सेलिब्रेशन वीडियो का, आप
को भी इंतज़ार होगा, खैर मुझे भी इंतज़ार है कि ये कैसा बनेगा। ठीक है, ये है हमारा वाइट ग्रेनी सैंड। इसको हमने अभी ये वाइट ग्रेनी क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक ये था हमारा ब्लैक कंक्रीट, पहले इसका नाम हम लोगों ने ग्रेनी ग्रिटी रखा था, लेकिन हमने इसमें इतनी ब्लैक कंक्रीट ऐड किया कि मैंने इसका नाम ब्लैक कंक्रीट दे दिया। बगैर कंक्रीट के ये टेक्सचर ये वाला है, ये वाइट प्योर ग्रेनी पाउडर में। ठीक है, ये ब्राउन क्ले है, रेड ग्रिटी और जितने टेक्सचर थे उनमें से जो हार्डनेस दी थी इसका हम लोगों ने ये टेक्सचर बनाया। तो एक ये वाइट ग्रिटी सैंड पड़ा हुआ है, इसको भी हम लोगों ने प्रिपेयर करना है, नहीं किया तो मैं कहती हूँ मामा को कि थोड़ी सी क्रमनिंग कर लेते हैं। और एक हमारे पास व्हाइट सीमेंट भी है। हाँ, व्हाइट सीमेंट भी है और कलरफुल सीमेंट भी है। और तो हमारे पास पहले वो नहीं करेंगे, ये करेंगे जी मामा। अच्छा, मैं साइड पे बैठ के कर लूँ? नहीं नहीं, आप सामने चली जाए, मैं आपको लगा देती हूँ कैमरा। चले, मैं एक बार कैमरा एडजस्ट करके मामा को दे दूँ, मामा को बता दूँ आपने इधर क्रमनिंग करनी है, फिर हम लोग अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, तो आज हम लोग करते हैं क्रमनिंग। वो मोबाइल ले अपना, ये तो ऊपर कहीं नजर नहीं आ रही, मोबाइल ले आओ तुम अपना। चलिए मामा क्रम नहीं करेंगे, मैं मोबाइल लेके आती हूँ, आपके नेम्स पढ़ेंगे हमारे साथ। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ना। वाओ, यार ये तो बहुत दूर है मम्मा, आपने पीछे क्यों किया इसे? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मैंने तो रखा होगा, चल थोड़ा आगे करके दौड़ना इसके साथ, इसकी चीज में। चलो मती, तो पढ़ो कमेंट, पढ़ो ना। अच्छा खैर, आज आप लोगों के कमेंट पढ़ेंगे थोड़े साथ साथ। ठीक है, मैं एक बार निकाल लूँ अपना मोबाइल लेके आई, मैं भी अंदर से थोड़े हैं कमेंट, तो अल्लाह काफ़ी ज़्यादा है ये तो। अच्छा, 8 days ago के कमेंट अभी मैं पढ़ रही हूँ। खैर, आतफा ने कहा है, ज़बरदस्त ब्लॉग, क्रमनिंग सो सेटिस्फाइंग, लव इट, ग्रेट जॉब आंटी, बहुत मज़ा आया, आपको सेहत दे एंड मिस यू बुशरा। थैंक यू आतफा फॉर मिसिंग मी। मैं ठीक हूँ, बस कुछ मसरूफियत थी, मोबाइल यूज़ नहीं किया। सारा लतीफ़ ने कहा, मामा आपको याद है आपने इनसे पूछा था कि आपका कमेंट्स नहीं आ रहे? उन्होंने कहा है ओके सारा, नो इशू। ठीक है, हो सकता है बंदा मसरूफ लाइफ में, तो बहुत सी मसरूफियात है। क्रमलिंग विद मदिया ने कहा है कि बहुत सुकून मिला, रिलैक्सिंग वीडियो। सुमैया खान ने कहा है कि बहुत अच्छा ब्लॉग है, थैंक यू सुमैया। स्टार इसमान ने कहा है, दुआ में याद रखेगा मेरे बेटे को, सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। एस्टर रोबिंसन थैंक यू, किनू इसमा थैंक यू, प्रीशा हेयर, हाँ जी प्रीशा, मुझे पता है आज आपकी मदर की शायद बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू हर, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और हमेशा सेहत और मिलती भाई लंबी ज़िंदगी दे। ठीक है, और उनका साया आपके साथ कायम और दायम रखे, आमीन। पूछ लिया, गेट बंद करके जाना बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये मैक्स पिक्चर्स लिखा हुआ है कि आगे आप लोग कुछ बातें अधूरी रह गई थी तो अब पूरी हो गई हैं, कि बेटा बुशाला अपनी मम्मा को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, वो एक है ना मौलवी साहब हैं उनका, मैं वो अक्सर वो सुनती हूँ कि तुमसे मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, ख्याल था कि करेंगे मगर ये मालूम ना था कि मुलाकातें अधूरी रह जाएंगी, ये इनका शेर है। हाँ, और मैंने इसको इतना ज्यादा अपने स्टेटस पे भी लगाया और इतना मैंने इसको सुना कि वाकई हमारी तो सारी मुलाकातें अधूरी रह गई। चलो हम लोग कमेंट करते हैं। उन्होंने कहा है बहुत अच्छी लगी मुर्गियों की तमीज़, मुर्गियों का तमीज़ ना सिखाई, उन्होंने बहुत मज़े की बातें की हैं। आप सईदा जी, वैसे आप एक बात कहूँ, आप जहाँ नेवला होता है वहाँ स्नैक्स जरूर होते हैं, बी केयरफुल। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे स्नैक्स नहीं है, वो नेवला इनकी मुर्गियों के लिए आता है। नापे खान, ये जो स्नैक्स है ना घर में भी बहुत है, मतलब रिलेटिव्स में। स्टार स्मार्ट ने कहा है बुशरा तेज बोलती है लेकिन अच्छा लगता है, थैंक यू स्टार स्मार्ट, शुक्रिया, किसको तो मेरा तेज बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच स्टार स्मार्ट, मुझे भी अच्छा लगता है, सुपर ब्लॉग ब्यूटीफुल, क्या रिंग रिंग के बंदा बोलता रहे। हाँ,
तेज बोलो परे करो बात जल्दी जल्दी बोलो। सलाम खान ने कहा मैं भी अब्दुल कयूम को अपना छोटा भाई समझती हूँ दिल से, दो भाई हैं मेरे और तीसरा भाई है, ये हार्ट अब्दुल कयूम के लिए सोना से ज्यादा ब्यूटीफुल जो क्यूट है, अल्लाह इसकी बातें और आवाज बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला खुश रखे आबाद रखे आमीन। इतनी प्यारी दुआएं देने के लिए ठीक है, मैं इसको पढ़ाऊंगी आपका कमेंट। क्रिस्प एंड परफेक्ट टेक्सचर आर योर प्लस पॉइंट, ओके थैंक यू प्रीशा, मॉम इज राइट एवरीवेयर, एवरीवन मॉम्स इज ऑलवेज राइट, मॉम्स कहती है ठीक है, मॉम्स आर ऑलवेज राइट ठीक है, मॉम्स गलत हो ही नहीं सकती। अब उन्होंने कहा है रोजी एसमार ने कहा है रोजी एसमार थैंक यू, हाँ जी मरियम आज आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही है ठीक है, सब टेक्सचर का इंट्रो मैंने दे दिया ठीक है नाम के साथ इंशाल्लाह दे दिया जी सब टेक्सचर्स के नाम के साथ, मैंने गाची का जब टेक्सचर बनाया था साथ साथ खाई भी थी मजा आया था क्रमलिंग में दी, हाँ आवाज नहीं आती मेरी तरह आंटी और बुशा ब्लॉग की जान है दोनों में से कोई एक भी ब्लॉग में ना हो तो मजा नहीं आता, कसम से अल्लाह सबको ढेरों ढेरों खुशियां दे आमीन, सुमामीन बहुत मजे का ब्लॉग है। अब उन्होंने कहा अब्दुल कयूम बिग ब्रदर साहब क्या हाल है, अब्दुल कयूम ने कहा था सब ने मुझे सलाम करना है तो सना खान ने कहा है थैंक यू सना मैं उसको बताऊंगी आपने कहा है, गोल्डन स्टार स्मार ने कहा है जेट एक्सप्रेस बनी हुई है, केम एक्सपेक्टेशन से कहा बुशरा जेट एक्सप्रेस बनी हुई है, यार बुशरा बचपन से ही जेट एक्सप्रेस है एनर्जेटिक पत्थर अल्लाह बुरी नजर से बचाया आमीन सुमामीन। अब्दुल कयूम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है बेटा, सारा लतीफ़ वालेकुम सलाम उसकी तरफ से, खैर मैं उसको बता दूँगी, आर एम एसमार आंटी ने भी किया हुआ सलाम अब्दुल कयूम को, उन्होंने कहा कि आपकी वॉइस बहुत प्यारी है ठीक है। अब्दुल कयूम भाई अस्सलाम वालेकुम, आत्मा ने भी कहा हुआ अब्दुल कयूम भाई जबरदस्त लग रही है वर्कप्लेस, लास्ट पार्ट जो दस पे था सुपर समूह की अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अब्दुल कयूम, नाफे खान ने भी कहा हुआ थैंक यू नाफे खान, उन्होंने कहा कि प्योर मड और चारकोल का डस्टबिन बहुत मज़े का था, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम इतनी अच्छी बातें करते हो व्लॉग में आकर हमारे चेहरे पर हंसी की विदा बन जाते हो, अल्लाह तुम्हें भी हमेशा खुश रखे आमीन, और तुम्हारी बहनों के नसीब हो और तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर पे हमेशा कायम रखे आमीन, मम्मी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देने के लिए ठीक है। मम्मा आपने बहुत क्रमलिंग करी है, कमेंट खत्म हो गया अब क्रमलिंग एक मैं करूँगी वो वाली करो वो वाली। अच्छा और सब सबसे रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है ठीक है कि फ़लस्तीन के लिए ठीक है कि अब सब दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर जो है वो रहम करें ठीक है आमीन, और उनके लिए बहुत जो है ना वो खैर से तो वो पूरे पूरे अपने ख़ानदान ही बेचारे खो चुके हैं, खैर जिस चीज़ के पास बचा हुआ अल्लाह ताला उनका जो है ना बस उनको सब्र दे सबको सब्र सब्र जमीन अता करें अल्लाह ताला आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये कुछ सैंड सीमेंट का जो टेक्सचर है ना इसके कुछ चंक्स हैं ठीक है जो कि ड्राई हुए हुए थे, शेप ऐसी थी कि वो हो गई थी टूट गई थी तो कुछ शेप जो है वो बची थी, मैंने रख ली थी कि मैं अपने ब्लॉग में क्रमिंग कर लूँगी इनको। मगरिब हो गई है खैर, बस मगरिब में मैं भी गोला कितना जल्दी जल्दी क्रमिंग करके भाग गई, गोला ऐसे मार माई ऑलवेज फेवरेट ऐसे मार आर्टिस्ट माई भी खैर हमने वीडियो बनाई थी आज लेकिन हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि आज जो है ना बब्लू को शेप बनाई है और हद ही ज़्यादा शेप बनाई है ठीक है, और वो थक गए और बिल्कुल मैं अंदर जाके शॉवर लूँगी, एक असाइनमेंट मैंने बनानी है आपको पता है यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है और एक टास्क मिला हुआ है वो करना है, शुक्र है क्विज भी था मैम ने, क्विज अगर मैम क्विज ना कैंसिल करवाती ना तो मैं सही बता रही हूँ आज नहीं होना था ये काम, मैम ने क्विज जो है ना थर्सडे पर भेज दिया, आधा क्विज मैंने कल याद कर लिया था नानों के घर हम लोग गए ना वहाँ कुछ भी नहीं था मम्मा लेकिन शोर हो जाएगा ना, आधा क्विज मैंने नानों के घर कर लिया था थोड़ा सा क्विज रह गया था तो वो जो है ना मैंने कहा कि मैं कर लूँगी कल ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैम ने जो है यार हमारी मैम अच्छी है पाखड़ी इसकी कहती है चलो ठीक है, एक दिन आके कहती है कि आप लोगों का पढ़ने का दिल नहीं, हमने कहा नो मैम, कहती है मुझे पहले बता दिया करो पढ़ने का दिल नहीं होता, तो हमने कहा वाह यार ऐसी टीचर मिल जाए तो बात ही हो गई, कहती है मैं अपना लैपटॉप भी छोड़ा हूँ, खैर अजानें स्टार्ट हो गई हैं तो बस अब मैंने कहा है कि शुक्र है मेरा क्विज नहीं था तो मैंने आप लोगों के साथ आज शेप भी बना दी मम्मा के साथ सारी और आप लोगों के साथ बातें भी कर दी हैं, ब्लॉग भी जो है वो रिकॉर्ड कर लिया क्रमलिंग ब्लॉग, खैर एक ब्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ था बहुत दिनों से मम्मा ने अब्दुल ने रिकॉर्ड किया था एक दो दिन पहले ठीक है, बहुत दिनों से तो नहीं खाया, अच्छा फ्राइडे को किया था, ओह फ्राइडे को हाँ फ्राइडे को किया था सच, वो तो बहुत दिन ही हो गया, खैर फिर तो फ्राइडे से रिकॉर्ड किया हुआ लेकिन बिल्कुल अपलोड करने का टाइम मेरे पास नहीं था बिल्कुल भी नहीं था, खैर वो मैंने अपलोडिंग पे लगा दी अभी वो अपलोड हो जाएगा और ये जो है ना हम कल अपलोड कर देंगे मेबी क्योंकि आज ट्यूसडे है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तो उसको हम लोग कल अपलोड कर देंगे, और शिट मम्मा कोई था मैं तो बताओ, कल हम नया टेक्सचर भी बनाएंगे, कल हम लोग एक नया टेक्सचर भी प्रिपेयर करेंगे, सरप्राइज है भाई, खैर ये एक मैं शेयर क्रमल करके बाय बाय करती हूँ क्योंकि जाने स्टार्ट हो गई है, एक मिनट रुकना चलिए जाने स्टार्ट होंगे तो हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।
कितने मिनट का हो गया?